हेलो टू बी ऑफिसर्स, वेलकम टू नमो एबीसी अकेडमी। नमो एबीसी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुश्री गुप्ता नमो एबीसी अकेडमी की तरफ से लेकर आई हूं करंट अफेयर सीरीज। ये सीरीज उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी जिसमें करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? हु वन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023? ऑप्शन है हमारे जर्मनी, ब्राजील, नाइजीरिया या स्कॉटलैंड। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है जर्मनी के द्वारा। ये खेला कहाँ था? फाइनल मुकाबला इसका हुआ था इंडोनेशिया में। जर्मनी ने फ्रांस को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम कर लिया गया है। आप जरूर बताएं कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है फुटबॉल के। मेरे तो रोनाल्डो है, जिनको CR7 के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 5th of December, 4th of December, 3rd of December या 2nd of December। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 5th of December को। ये सेलिब्रेट होता क्यों है? तो भारत पाक युद्ध में 1917 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट के सम्मान में ये मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है ऑपरेशन एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन एकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 5th of December को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया 84th ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बिलोंग्स टू विच स्टेट? भारतीय कि 84th ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू आर का संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहले तो इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है चेस से। हाल ही में ग्रैंड मास्टर का आयोजन हुआ था स्पेन में, जिसमें इन्होंने ये खिताब जीता है। मजेदार बात यह है कि दोनों भाई बहन आर प्रज्ञानंद और वैशाली आर रमेश बाबू दोनों भाई बहन है, और ये दोनों पहले भाई बहन इन भारतीय इतिहास की पहली जोड़ी बन गई है भाई बहन की, जिन्होंने ये इंडिया यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRI? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRI की पहली महिला महानिदेशक किसे चुना गया है? ऑप्शन से हमारे अनीता देसाई, कविता श्री, वनिता मेहुल या कंचन देवी। तो इसका सही आंसर है कंचन देवी। कंचन देवी को ICFRI की महानिदेशिका, जो पहली महिला महानिदेशिका है, उनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राउंडनट फेस्टिवल कड़ले काई परिशे, थोड़ा अलग नाम है, कड़ले काई परिशे आयोजित कहाँ किया जाता है या कहाँ किया जा रहा है? ये हर साल एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल मनाया जाता है। मूंगफली उत्सव कड़ले काई परिशे ये मनाया जाता है कर्नाटका में। द 82nd इंडियन रोड कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? 82 भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन से हमारे पुणे, गांधीनगर, भोपाल या मुंबई। पुणे, गांधीनगर, भोपाल या मुंबई। तो 82 भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है गांधीनगर में। इसका क्या आंसर हुआ? गांधीनगर। ये हो क्या रहा है? भारतीय सड़क कांग्रेस के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क निर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी पर चर्चा की जा रही है, और इसका आयोजन हो रहा है गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी स्टेट्स डिड द बीजेपी विन ए मेजॉरिटी इन द 5 state assemblies? 5 राज्यों में हुए विधानसभाओं में भाजपा ने किन राज्यों में बहुमत से विजय प्राप्त की है? ऑप्शंस 2nd, 1 या 3 या 4। हमें पता है अभी हमारे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। किन किन राज्यों में हुए हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम। और बीजेपी ने किन राज्यों में बहुमत से जीत हासिल की है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये बीजेपी ने बहुमत से विजय प्राप्त की है। विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर एज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाय ऑक्सफर्ड डिक्शनरी? ऑक्सफर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शन है हमारे विमन पावर,
हिंदुस्तानी करेंस या रिज, विमेन पावर, हिंदुस्तानी करेंस या रिज। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑक्सफर्ड द्वारा डिक्लेयर किया गया है रिज को, जिसका मतलब होता है अट्रैक्शन या चार्म। रवि गुप्ता हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। हाल ही में रवि गुप्ता को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला या तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में रवि गुप्ता को अपॉइंट किया गया है पुलिस महानिदेशक। पूर्व तेलंगाना पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार को आदर्श संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित करने के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक हैं। भ्रष्टाचार जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, आशा करती हूं कि ये समस्या हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स द्वारा सॉल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज का, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, यूएसए, लंडन यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका या मोरक्को। तो इंडियन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंडन यूनाइटेड किंगडम में। ये हमारे वीडियो का आज ये लास्ट क्वेश्चन था और ये सीरीज का पहला वीडियो था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सीरीज हमारे नमोबिस एकेडमी की तरफ से शुरू की गई पहल जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में अपनी राय जरूर दे कमेंट के द्वारा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।